रहमान रहीम, जैसे कि आपको फैसल चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है, उसने आवाम की आवाम के तौर पर आवाम के बिहाफ पर और चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ के ऊपर आज अपना मुकदमा यहाँ पर पेश किया है, इलेक्शन कमीशन के अंदर पेश हुए हैं। ये जो मुनहरफ अराकीन हैं, जिनकी वीडियोज़, जिनके बयानात, जिनकी तस्वीर पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर पाकिस्तान की आवाम के सामने मंजर आम पर आई हैं, उससे चीज़ वाज़े हो गई है कि इन्होंने अपनी जमात से बेवफाई की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के वोट से बेवफाई की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ज़मीर के ऊपर बोली लगाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़मीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के ऊपर एक काला दाग लगाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम की ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आइनी किरदार को बेहतरीन तरीके से अदा करे, 30 दिन के अंदर आइनी मुद्दत के मुताबिक इस केस का फैसला करे और पाकिस्तान की आवाम जो कह रहे हैं, बारह कह रहे हैं, इनके हलकों के अंदर पेश होकर कह रहे हैं कि मुनहरफ अरकीन को लोटों से बता रहे हैं कि ये लोटे हैं, उनको मुनहरफ करार दिया जाए, उनको डीसीट किया जाए, उनको उनके मनसब से हटाया जाए। यही आइनी तकाजे हैं, यही कानूनी तकाजे हैं और यही जमहूरी तकाजे हैं। इंशाल्लाह हम दोबारा 6 मई को पेश होंगे, ये सारे मुनहरफ अरकीन अपने जो रिप्लाइज हैं उनको पेश करेंगे, वहाँ पर हम अपने दलाइल पेश करेंगे और हमारी उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह हम आईन और कानून के मुताबिक सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया।